रश्मि के साथ तो मैंने वापस जाना था, मैं वापस कैसे घर जाऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं कौन सा अस्पताल है ये, कहाँ पे है ये जगह। नहीं भी आता एक दिन फ्रूट तो गुजारा चल जाता ना, मुझे नहीं जान ने दिलवाया। वैसे एक बात सोच, अब ऐसे तो माम बेगम नीरव को हवेली नहीं आने देगी और ना ही उसे अपनी बहू तस्लीम करेगी, और मुतसिम को ये भी कहेगी कि नीरव को तलाक दे दो। बात तलाक तक पहुंच जाएगी, मगर मुतसिम को इस बात का यकीन होगा कि अगर नीरव को पता होता कि वो मलक जबैर है तो वो कभी ना करती ऐसे। उसे नहीं पता था कि वो मलक जबैर है, तब तक मुतसिम को ये बात भी पता चल जाए कि किस तरह हया ने झूठ बोला कि मरियम उससे मोहब्बत करती है, अंग्रेज से शादी से इनकार किया। फिर मुतसिम एक दफा मीरब को माफ करके घर ले आएगा। माम बेगम मुतसिम को मना करेगी लेकिन मुतसिम अपनी मर्जी करेगा। लेकिन जब माम बेगम को इस बात का पता चलेगा कि इनकी हवेली को वारिस देने वाली है तो उसको भी माफ कर देगी और उस पर गुस्सा खत्म कर देगी, क्योंकि अब मीरब भी सब कुछ भूल कर तमाम शरार खत्म करके मुतसिम को अपना शौक तस्लीम कर चुकी है, और मरियम भी नूरे के साथ काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन हया के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।